आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जबलपुर आगमन 1 जून को होना है, जिसकी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी और जिला प्रशासन की टीम लगी हुई है। 1 जून को भोपाल से जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगमन होना है। डुमना एयरपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय रानीताल तक रोड शो का आयोजन भी इस मौके पर किया जाना है, जिसकी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जबलपुर और जबलपुर जिला प्रशासन की टीम लगी हुई है। वहीं सांसद राकेश सिंह ने बीजेपी के विधायकों और जिला प्रशासन की टीम ने रोड शो के विभिन्न मार्गों का निरीक्षण किया। वहीं सांसद राकेश सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जबलपुर आगमन अपने आप में ही ऐतिहासिक है, जिसकी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी जबलपुर की टीम कर रही है। यहां पर वह यूथ कनेक्ट कार्यक्रम में युवाओं को भी संबोधित करेंगे। वहीं जगह जगह रोड शो के मार्गों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही जनता के हित के लिए कार्य करती है और चुनाव के लिए भी पूरी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जबलपुर से जीवन ठाकुर की रिपोर्ट। अत्यंत सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का जबलपुर आगमन होगा। 1 तारीख को भोपाल से वो जबलपुर आएंगे और शाम को उनका एक रोड शो जबलपुर में है और कार्यकर्ताओं में अत्यधिक उत्साह है। वो लगभग 3 दिन जबलपुर में रहने वाले हैं, तो उस नाते से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अत्यंत उत्साहित है कि हम सभी का जो शीर्ष नेतृत्व संगठन का है वो जबलपुर पधार रहा है। माननीय नड्डा जी के स्वागत में पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछाकर तैयार है। आज इस पूरे रूट पर हम सभी लोग भ्रमण करके एक बार सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। न केवल कार्यकर्ता बल्कि जनता, व्यापारी संगठन, ये सब भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी के स्वागत में अपनी अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा। क्या ये लगातार होती है? 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी काम करती है, तो केवल चुनाव की दृष्टि से नहीं, चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल चुनाव की दृष्टि से नहीं बल्कि अगले दिन एक यूथ कनेक्ट का कार्यक्रम है, तो युवाओं को एक संदेश माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा दिया जाएगा और उनके माध्यम से नए भारत का निर्माण जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है उसको लेकर क्या संकल्पना है वो विस्तार से माननीय अध्यक्ष जी रखने वाले हैं। हम ये मानते हैं कि युवा पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और जहाँ युवा होता है हवा उसी दिशा में।